ओके तो मोस्ट ऑफ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक चैप्टर का थोड़ा सा पोर्शन है रेडी, लेकिन वो हम अलग चैप्टर से उसको लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। वो उसका 3-4 लेक्चर है, वो बाद में देखेंगे। तो सीट कंप्लीट कर लेते हैं, 2 सेक्शन 3 सेक्शन बाकी है, एफ जी एंड एच। ओके तो सेक्शन एफ यहाँ पे लेते हैं, साइन 2x इक्वल टू 1 दिया हुआ है रेडी। क्या दिया हुआ है? साइन 2x इक्वल टू 1। तो बहुत सिंपल है, साइन कब 1 होगा? अब देखो ये बात आप अच्छे से दिमाग में बिठा लो, कि अगर ये हमारा जो भी लाइन है रेडी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर सिर्फ इसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी, तो ये लाइन है वो 2n पाई लाइन है। कौन सी लाइन है? जनरल में 2n पाई लाइन है, n बिलोंग्स टू z, n इक्वल टू 0 रख दो 0 मिलेगा, 1 रख दो 2 पाई, 2 रख दो 4 पाई, 6 पाई, 7, ये लाइन है वो 2n पाई। ओके साइन इक्वल टू 1 कहां पे होता है? यहां पे होता है। तो अगर आपको डायरेक्टली रिमेंबर नहीं रह रहा है, तो आपको अच्छे से लॉजिकली आपको रिमेंबर रखना है कि ये लाइन 2n पाई है, तो ये लाइन क्या होगी? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 होगी कि नहीं? रेडी। अगर आपको दिया हुआ है cos x इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 वैल्यू यहां पे होती है रेडी। तो ये लाइन से 2n पाई से कितना है? पाई आगे, सो 2n पाई प्लस पाई सॉल्यूशन था cos x इक्वल टू माइनस 1 का। सिमिलरली sin x इक्वल टू माइनस 1, तो ये वाली लाइन होगी। तो आप तो या तो इधर से घूम के आइए, 2n पाई प्लस 3 पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, और या 2n पाई माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हो, जो मैंने लिखवाया है sin x इक्वल टू माइनस 1 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट cos x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन, cos x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन यही है, तो 2n पाई रेडी। अगर आपको 180 180 180 का जंप लगाना है, मींस ये और ये दोनों एक्सिस है, तब आपको n पाई लेना है। क्या लेना है? n पाई रेडी, वो बाद में आ जाएगा। अभी आपको इतना चल के चलो कि यहां पे 2n पाई रेडी, ये वाला एक्सिस। सो sin का 1 वैल्यू यहां पे होता है 2n पाई प्लस पाई बाय 2 सॉल्यूशन होगा। सो x इक्वल टू कितना होगा? 2 2 से डिवाइड कर दो, n पाई प्लस पाई बाय 2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड, cot थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 0। अब देखो एक सॉल्यूशन में आपको अच्छे से बात अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर क्वेश्चन में cot दिया हुआ है, cot, तो कभी भी cos 0 नहीं होना चाहिए, सॉरी sin 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि cot का डिनोमिनेटर sin होता है रेडी, cos अपॉन sin। अगर sin 0 हो गया तो cot इनफाइनाइट होगा, तो वो वैल्यू हम कभी नहीं लेंगे रेडी, जहां पे वो इनफाइनाइट हो रहा है। सिमिलरली tan, अगर tan क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन में आगे जाके कहीं पे अगर आपका cos 0 आ रहा है, तो वो सॉल्यूशन हम वहां कैंसिल कर देंगे। ओके तो देखो सॉल्यूशन क्या किया, cot cos अपॉन sin, cot cos अपॉन sin, क्रॉस प्रोडक्ट किया रेडी। जो यहां पे LCM वाला, उसको 0 के साथ जाने दिया। ओके तो क्या बचा? cos थीटा sin थीटा, मैंने sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0। तो ये जो है वो sin अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है, sin थीटा माइनस 3 थीटा इक्वल टू 0, sin माइनस 2 थीटा, माइनस बाहर आएगा लेकिन 0 के साथ चला जाएगा, सो sin 2 थीटा इक्वल टू 0। अब देखो यहां से डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखना तो गलत हो जाएगा, लेकिन sin 2 थीटा में पता है 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू 0 होता है, तो यहां से दो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, sin थीटा इक्वल टू 0, cos थीटा इक्वल टू 0। लेकिन मैंने बोला जैसे कि क्वेश्चन में cot दिया हुआ है, तो sin 0 नहीं होगा रेडी, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए cos इक्वल टू 0 और उसका सॉल्यूशन 2n + 1 π / 2 रेडी। ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है, 2 cos 2x इक्वल टू 3 into 2 दिया हुआ है वहां पे, वो 6 cos 2x - 4 हो जाएगा रेडी। सो cos 2x इक्वल टू 2 cos 2x - 1 लिख सकते हैं, यस इक्वल टू 6 cos 2x - 4। सो ये क्या हो जाएगा? 4 cos 2x - 2 इक्वल टू 6 cos 2x - 4। यहां से cos 2x को आप अगर उसका सब्जेक्ट बनाओगे तो वैल्यू होगी 1 रेडी। सो cos x कितना हो जाएगा? प्लस और माइनस 1। देखो cos x प्लस और माइनस 1, प्लस 1 यहां पे, माइनस 1 यहां पे, प्लस 1 यहां पे, माइनस 1 यहां पे, मींस हर एक 180 डिग्री पे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई चाहिए, मींस n पाई। सो x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z रेडी। तो लॉजिकली हमको आंसर देना आना चाहिए। ओके और ये दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ओके गुजराती प्लस इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 4, sin x + sin 5x = sin 2x + sin 4x। तो यहां पे sin + sin 2 sin into cos, अगेन वहां पे भी sin + sin 2 sin into cos। अब देखो दोनों साइड sin 3x है, अगर वो कैंसिल कर दिया तो आपका आंसर ही नहीं है, कैंसिल करना ही नहीं है रेडी। सो यहां पे नेगेटिव ले लो इस साइड, वो जो टर्म है उसको, फिर sin 3x कॉमन निकालो, cos 2x - cos x = 0। तो यहां से दो सॉल्यूशन मिलेंगे, sin 3x = 0 और cos 2x - cos x = 0। तो मैंने सिर्फ इसका सॉल्यूशन किया, देखो sin 0 क्या होता है? n पाई, क्योंकि यहां 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 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई n पाई, तो 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई 3, n पाई बाय 3 वो ऑप्शन है, तो इसका सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है रेडी। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ये सॉल्यूशन करना पड़ता cos माइनस cos करके।
ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos into cos माइनस cos into cos, तो इसको मैंने 2 दे दिया, सो 2 cos into cos, 2 cos into cos ऐसा हो जाएगा, सो 2 cos into cos इज cos plus cos, रेडी cos 12x cos 4x माइनस cos 14x plus cos 4x इक्वल टू 0। देखो यहां पे cos 4x प्लस है, ये माइनस होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, रेडी। मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल नहीं करना, एडिशन सबट्रैक्शन में तो चलता है, उसमें कोई बात नहीं है। सो बचेगा क्या, cos 12x माइनस cos 14x इक्वल टू 0, तो फर्स्ट ऑप्शन तो यही दिया हुआ है कि cos 12x इक्वल टू cos 14x, तो ये तो मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं, यही आंसर है, क्योंकि यार डी ऑप्शन ऐसा है ऑल ऑफ देम, रेडी अबाउ ऑल ऑफ अबाउ, मतलब सारे ऑप्शन भी सही हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, cos माइनस cos माइनस 2 sin into sin लगा दिया, तो sin माइनस x आएगा, ये तो अभी पता है आपको, दोनों एडिशन डिवाइड बाय 2 सबट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, सो ये 13x और ये sin x हो गया, तो 13x भी 0 हो सकता है या sin x 0 होता है, तो वो भी बी एंड सी ऑप्शन है, तो आपके सारे ऑप्शन आएंगे ए बी सी। ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6, sin + sin + sin = 0, तो हमें पता है फर्स्ट और लास्ट की पेयर बनाएंगे sin + sin, तो sin * cos + sin 4x as it is = 0, सो देखो यहां पे sin 4x कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या 2 cos 3x + 1 = 0, सो sin 4x = 0 एंड cos 3x = -1। अब देखो क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि x belongs to 0 to pi में, 0 to pi by 2 में कितने सॉल्यूशन है, 0 to pi by 2, लेकिन यहां कौन सा एंगल आया 4x, तो 4x की रेंज क्या होगी, 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई पूरा राउंड लगेगा ऐसा, रेडी। तो उसमें साइन कब कब 0 होता है, कितनी बार होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन चाहिए हमें, रेडी, हमें कौन से वैल्यू पे होता है वो देखो मैं, चलो 0 से स्टार्ट करो, साइन 0 इज 0 यस, फिर आगे बढ़ो पाई बाय 2 पे नहीं होगा, पाई पे होगा यस सेकंड, और वापस जाओ 3 पाई बाय 2 पे नहीं होगा, 2 पाई पे होगा यस थर्ड, मींस इसके कितने सॉल्यूशन मिलेंगे 3 प्लस इसके कितने सॉल्यूशन मिलते हैं वो देखते हैं। देखो 3x एंगल है 3x, सो यहां से 3 3 मल्टीप्लाई करो, 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाय 2, ओके सो 0 से 3 पाई बाय 2 में cos कितने बार -1 बाय 2 देता है, 0 से 3 पाई बाय 2 की फर्स्ट क्वाड्रेंट रेडी उसमें आ जाएगा, उसमें माइनस नेगेटिव नहीं देता cos, सेकंड क्वाड्रेंट यस कहीं पे देता होगा, कौन से एंगल पे वो नहीं चाहिए हमें, एक बार देगा, ओके सो सेकंड क्वाड्रेंट में एक बार देगा, तो एक सॉल्यूशन, आगे बढ़ो 3 पाई बाय 2 मींस थर्ड क्वाड्रेंट भी उसमें आएगा यस 3 पाई बाय 2 यहाँ पे होता है वहां तक जाना है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है यस, तो वहां पे भी कहीं -1/2 एक बार देगा, सो सेकंड और थर्ड दो सॉल्यूशन वो हो गए, तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 5 जो हमारा आंसर है, रेडी देख लेते हैं फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है 5, ओके सो ऐसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं 1 टू 6 क्वेश्चन लिख लीजिए। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, tan 3x - tan 2x / 1 + tan 3x * tan 2x = 1, तो ये डायरेक्टली में पता है tan alpha - tan beta / 1 + tan alpha * tan beta, tan alpha - beta का फार्मूला है, सो 3x - 2x इज x, tan x = 1, tan x = tan pi / 4, tan का सॉल्यूशन क्या था n pi + or - alpha, सॉरी n pi + alpha, सो x = n pi + pi / 4, लेकिन ये ऑप्शन में अगर ऑप्शन टिक कर दिया तो गलत, क्यों गलत, क्योंकि कई कई क्वेश्चन में ऐसे होता है, देखो इसका 2x क्या होगा 2n pi + pi / 2, रेडी, और अगर 2x 2n pi + pi / 2 और यहां पे आप रख रहे हो pi / 2 तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यहां पे भी इनफाइनाइट हो जाएगा, सो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, रेडी, सो ये सॉल्यूशन अलाउड नहीं है, कभी-कभी आपको चेक करना पड़ता है, रेडी, सो ये ऑलरेडी ये 10 इनफाइनाइट हो रहा है, सो यहां का आंसर क्या आएगा, कुछ नहीं, हाय ओके इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं अच्छे से। नेक्स्ट पुट tan स्क्वायर x - 5 sec x - 1 = 0, तो यहां पे tan स्क्वायर = sec स्क्वायर - 1 रख दिया, फिर उसकी क्वाड्रिक बन गई, क्वाड्रिक के दो पार्ट निकाले, ऐसे दो पार्ट निकल गए, रेडी, यहां से sec x = -1/2 मिला, यहां पे sec x = 3 मिला, तो हमें ये फाइंड करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है sec x = -1/2, क्यों, क्योंकि उसकी रेंज में नहीं है, -1 टू 1 के अलावा आंसर आते हैं, सो 3 आंसर आ सकता है। अब ये बोला है कि 0 टू n पाई बाय 2 है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है जिसमें इसमें सिर्फ 7 रूट मिले, तो देखो sec x = 1/3 पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, कौन से एंगल पे वो नहीं चाहिए, रेडी फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सो यहां से अगर 0 से स्टार्ट करें पाई बाय 2 फर्स्ट वन सॉल्यूशन, 3 पाई बाय 2 अगेन वन ही है, फिर 2 पाई टू सॉल्यूशन, यहां से आ गया
कौन सा 5π/2 कितने सॉल्यूशन हुए, दो राउंड लगाएंगे आप फोर सॉल्यूशन और एक राउंड लगाएंगे थर्ड राउंड सिक्स सॉल्यूशन होगा। रेडी, कहां तक पहुंचे 3π पे, 3π प्लस पाई बाय टू कितना होगा, 3π प्लस पाई बाय टू 13। रेडी, 3π प्लस पाई बाय टू कितना होगा 6 प्लस 7π/2। रेडी, हमें कितने सॉल्यूशन चाहिए, 7 सॉल्यूशन चाहिए। सो तीन राउंड कंप्लीट कर दिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ओके, पाई बाय टू, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2 पे पहुंचे, 13π/2 है ओके, 6 प्लस, रेडी 6π प्लस। सो ये हो गया 13π/2, 13π/2, लेकिन मैक्सिमम बोला है, देखो 13π/2 पे तो 7 आंसर आ ही रहा है, लेकिन अगर 15π/2 जीरो से 15π/2 लिया तब भी 7 आंसर आएगा। सो मैक्सिमम बोला है इसलिए n इक्वल टू 15 आएगा। रेडी, 0 से 15π/2 आप राउंड घुमाओगे तो आपको टोटल 7 सॉल्यूशन मिलेंगे। 13π/2 तक भी 7 मिल रहे थे, लेकिन मैक्सिमम बोला है क्वेश्चन में, इसलिए 15 आंसर आएगा। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 3 थीटा / 2 cos 2 थीटा -1 1/2। तो cos 3 थीटा का फार्मूला रख दिया, cos 2 थीटा का फार्मूला रख दिया थीटा में, फिर हमने क्या किया उसका सॉल्यूशन किया क्रॉस प्रोडक्ट करके, सबको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए, इन दोनों में से कॉमन निकाला 4 cos का थीटा, यहाँ बेचा 2 cos का -1, -3 कॉमन निकाला, 2 cos का -1 0। तो दो ब्रैकेट मिले, उसमें से एक वैल्यू मिल रही है cos थीटा इक्वल टू 1 और दूसरी मिल रही cos का थीटा इक्वल टू 3/4। cos थीटा इक्वल टू 1/2 का जो आंसर है थीटा इक्वल टू 12π± π/3 बिलोंग्स टू z, वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरे का सॉल्यूशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, उसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे 2 as it is रखा है, 2 sin into sin लगाया है। रेडी, माइनस कॉस प्लस कॉस होगा, दोनों का एडिशन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके चलो ये हो गया, बाकी सब एजी डी है। फिर हमने साइन को मल्टीप्लाई कर दिया, इसको पहले लिखा है प्लस है इसलिए 2 cos थीटा इंटू साइन 4 थीटा ये आ गया, माइनस 2 cos थीटा एंड cosine 4 थीटा वाला ये आ गया। रेडी, अगेन टू साइन इंटू कॉस वाला फॉर्मूला यूज किया है, साइन प्लस साइन, सो साइन 5 थीटा साइन 3 थीटा, माइनस 2 साइन इंटू कॉस, अगेन साइन प्लस साइन, लेकिन माइनस ही है दोनों माइनस हो जाएंगे, साइन माइनस माइनस साइन 7 थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों साइड साइन 3 थीटा कैंसिल। फिर इन दोनों में मैंने साइन माइनस साइन लगा दिया अगेन, सो क्या होगा 2 कॉस इंटू साइन, माइनस साइन थीटा तो है ही। रेडी, अब एंगल तो हमें पता है दोनों का, एडिशन डिवाइड बाई टू सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई टू होगा, सो इसमें से साइन थीटा कॉमन निकालो, 2 कॉस थीटा 2 कॉस 6 थीटा माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। अब ये बोला है कि कितने रियल सॉल्यूशन मिलेंगे 0 टू पाई में, सो 0 टू पाई में साइन थीटा इक्वल टू 0 दो जगह पे होगा, 0 एंड पाई पे, सो दो सॉल्यूशन यहां से मिलेंगे। अब यहां पे थीटा एंगल नहीं है, कितना है 6 थीटा, तो जो हमें एंगल दिया है 0 टू पाई थीटा एंगल, उसको 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 थीटा किस में होगा, 0 टू 6 पाई में होगा, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, रेडी 3 कंप्लीट राउंड। सो कितनी वैल्यू है 1/2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है, तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट करने में 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, सेकंड में 2, थर्ड में 2, टोटल 6 सॉल्यूशन वहां से मिलेंगे, सो 2 प्लस 6 टोटल 8 सॉल्यूशन मिलेंगे। रेडी, सो ऐसे पूरे क्वेश्चन किए जाते हैं, नोट डाउन किए अच्छे से, फिर आगे करते हैं।